हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पागल कुत्तों के काटने से हुए गोवंश की महंत योगी शंभुगिरी जी के सानिध्य में विधि विधान से दी गौ माता को तपभूमि में समाधि। पानड़े एम में आमेश्वर महादेव मंदिर के पास गौरक्षधाम महंत योगी शंभुनाथ जी महाराज द्वारा गौभक्त गजेंद्र सिंह सिसोदिया को जानकारी दी गई कि मंदिर के पास नाले में गोवंश पागल कुत्तों के काटने से इधर उधर भटक रही थी। वह घायल अवस्था में इधर उधर दौड़ रही थी। उसने अपना संतुलन खो दिया था। इंसानों के जानवरों के पीछे भाग रही थी। यह सब देखकर डर का माहौल बना हुआ था। बाद में वो एक पेड़ के पास पहुंची, अपने सींगों से पेड़ों पर वार करने लगी। अन्य लोगों को पास नहीं आने दे रही थी। उसे बचाना कठिन परिस्थितियों में था। अंत में उसने दोपहर बाद प्राण त्याग दिए। उसे अन्य जानवर नोच कर खाने से सैकड़ों पशु जंगली जीव पागलपन का शिकार नहीं बने। इसीलिए शंभुनाथ जी महाराज ने निर्णय लिया कि इसे समाधि दी जाए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा को सूचना दी। उन्होंने हिमांशु गहलोत, अशोक हरिजन, पर्वत सिंह, सुरेश रावल, पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया, छगन रावल, सरवन हीरागर, हेमंत कुमार, गोराराम देवासी सहित अन्य गौ भक्तों को एकत्रित कर घटना स्थल पहुँचे। वही जेसीबी की कमी के चलते 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। वही गौ भक्त पृथ्वीराज सिंह ने अपने स्तर पर मेडिकल कॉलेज से जेसीबी की व्यवस्था करवाई। ओम श्री गजानंद सेवा समिति कार्यकर्ताओं ने मिलकर देर शाम तक मंदिर से दूर जंगलों में महंत योगी शंभुनाथ जी के सानिध्य में तपभूमि, जहां न जाने कितने साधु संतों ने तपस्या कर भूमि को तपभूमि बनाया, उस स्थान पर गौ माता को समाधि देने का निर्णय लिया गया। गौवंश को जेसीबी में रखकर समाधि स्थल पर पहुंचे। मृत गौवंश को विधि विधान से समाधि दी गई। बाद में जल का छिड़काव किया, मंत्रों का जाप जपते हुए समाधि पर चुंडी उड़ाकर गौ माता के जयकारे लगाते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। अध्यक्ष मीणा ने सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने बताया कि कहीं भी कोई भी पशु यदि पागल हो तो काटने से मौत हो जाती है, तो उसे जमीन में गड्ढा खोदकर डालना चाहिए ताकि इस प्रकार से अन्य पशुओं का शिकार नहीं बने। वहीं इस नए कार्य में पधारे महंत शंभुगिरी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए पशु एम्बुलेंस संबंध में बात रखी। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।